बागेश्वर धाम वाले बाबा को रात में कैसे मिली थी सिद्धि? बाबा ने खोला अपना ये राज। वर्तमान समय में अपने चमत्कारों की वजह से देश विदेश में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा राज सामने आया है। आपको बता दें, लोग उनको अब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। उनका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। इन बाबा के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्यमय हैं। ये बाबा अपनी सिद्धि के दम पर लोगों के मन की बात पढ़कर पर्चा लिखते हैं, लेकिन अब बागेश्वर धाम सरकार ने उनको सिद्धि मिलने की पूरी बात बता दी है। बागेश्वर धाम सरकार बचपन से ही बालाजी के भक्त थे और उनके दादा गुरु की वजह से उन्हें यह सिद्धि मिली है। उनका कहना है, दादाजी ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के गुरु थे। उनके दादाजी से मिलने लाल बत्ती में लोग आते थे, सत्संग करने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे। दादाजी को देख कर मेरा भी मन धर्म और अध्यात्म की तरफ हो गया और दादाजी के सत्संग सुनने लगा। उसके बाद से दादाजी को गुरु बना लिया। बाबा ने बताया कि उनके परिवार में 10 भाई हैं। दादाजी उनको जूठी चाय पिलाते थे। शास्त्री ने कहा कि एक दिन मैं अपने दादाजी के पास जाकर बोला कि मुझे बताइए कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। यह बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम रात में आना, तुम्हें बताऊंगा। उस समय मेरी उम्र करीब 9 या 10 साल के करीबी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दादाजी की बातें सुनकर मैं वापस आया और रात का इंतजार करने लगा। बाबा ने कहा कि जब मैं रात को दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हंसे और बोले, अब जाओ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब सी चीजों का आभास होने लगा था। कोई मेरे सामने आता तो मैं उसका नाम जान जाता था, लेकिन कहने में संकोच लगता। जब वो अपना नाम बताता तो मैं खुद से कहता कि ये तो मुझे पता था, मैंने पहले क्यों नहीं बताया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात अपने दादाजी को बताई कि मैं लोगों के बिना कहे ही उनका नाम जान लेता हूँ, बताने में संकोच होता है। उसके बाद दादाजी ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, काफी ज्यादा तपस्या की और हवन किए। ये सब होने के बाद मेरा मन घर में कम लगता था। मैं बालाजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। बाबा ने कहा कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि वेदों और ग्रंथों में जो लिखा है उसी के जरिए लोगों के मन की बात को समझ लेते हैं। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही है। महज 26 साल की उम्र में करोड़ों लोगों को भक्त और प्रभु के प्रेम और भक्ति में पागल बना चुके बागेश्वर बाबा के सामने बड़े बड़े VIP और नेता मंत्री सिर झुकाए खड़े रहते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को लोग दिलचस्पी के साथ खंगालते हैं